बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जेके न्यूज़ ट्राइब देख रहे हैं आप और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं बिल्किस आरा, जिन्हें कश्मीर की ब्लड वुमेन कहा जाता है। जी हाँ, आज तक इन्होंने कुल जो है 32 पॉइंट्स ब्लड जो है वो डोनेट किए हैं। अगर हम देखें जो हमारी माएँ या बहनें होती हैं वो ब्लड देने से बिल्कुल डरती है, लेकिन बिल्किस आरा जी को हम तहे दिल से सलाम पेश करते हैं। डायरेक्टली हम बात करेंगे बिल्किस आरा जी से। सबसे पहले बिल्किस आरा जी, आपका ख्याल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम बिल्किस आरा है और मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ वारा से, और मैं एक आशा वर्कर हूँ। मैं यहाँ पे आज आई हूँ संग्रामा में। इन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा था आज यहाँ पे, केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट, इन्होंने आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रखा है और मैं बहुत खुश हो गई। यहाँ पे आज बहुत सारे लड़कियाँ और मेरे भाई जो आए हैं ब्लड देने के लिए, यहाँ पे कम से कम आज 200-250 पॉइंट होंगे। मैं चाहती हूँ हर एक घर से एक एक ब्लड डोनर निकले, क्योंकि हम ऐसे में हर एक की जान बचा सकते हैं। अगर हम बात करें तो जब आपने सबसे पहला ब्लड पॉइंट जो आपने डोनेट किया, तो किस तरह से आपके दिल में ये ख्याल आया कि मैं आज ब्लड डोनेट करूं? जो मैंने पहले भी कहा था, मेरी कज़न थी, उसकी डिलीवरी थी, वो रेफ़र हो गई थी बारामूला से एलडी, तो हमें कोई मर्द वहाँ पे साथ था ही नहीं। पहली बार मैंने वहीं पर दिया था, लेकिन मैं खुद भी तब डरी हुई थी। मैंने सोचा था मैं ब्लड दूँगी, पता नहीं मुझे क्या होगा और उसका क्या होगा। शुक्र है अल्लाह का बचाना था उसको, और वो भी ठीक रही और मैं भी ठीक रही। मैं चाहती हूँ हर एक घर से एक एक ब्लड डोनर निकले। खास करके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने घर वालों का, अपने हस्बैंड का और अपने सास ससुर का, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है ऐसे काम में। बिल्कुल सारा जी, ये बताइएगा, क्या ब्लड देने से कोई कमज़ोरी आती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड देने से इंसान पहले खुद की जान बचाता है, जैसे कि आपने खुद देखा आज यहाँ पे भी जो भी आता है उनके टेस्ट होते हैं पहले, हमें ये पता चलता है कि हम पहले खुद ठीक है। हर एक टेस्ट होता है 3-4 महीने के बाद, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। आपको तो पता ही है आजकल बीमारियाँ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। अगर हम इसी बहाने जाए ब्लड देने के लिए हॉस्पिटल, पहले हमें टेस्ट करें, हमें पहले ये पता चले कि हम खुद ठीक है। और मैं चाहती हूँ हर एक घर से एक एक ब्लड डोनर निकले। खासकर मैं अपनी बहनों से गुजारिश, बहनें तो इसीलिए आगे आएंगे जब उनको उनके घर वालों का साथ होगा, तभी तो लड़कियाँ आगे आ सकती है। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे घर वालों ने मेरा सपोर्ट दिया, मैं चाहती हूँ हर एक घर में ऐसी अपनी बहनों को और अपने माओं को आप ऐसा बोलो कि आप जाए और ब्लड दे दे। ये कोई बुरा काम नहीं है, ये बहुत ही अच्छा काम है। और बाकी आप क्या चाहती हैं? आप यही चाहती हैं कि हर एक घर से ब्लड वुमन निकले? हाँ, मैं चाहती हूँ हर एक घर से एक एक ब्लड डोनर निकले, क्योंकि मुझे पता है जब मेरी उस बहन की डिलीवरी थी उसको फिर 11 पॉइंट चढ़ाने पड़े वहाँ पे फ्री में। अगर हम मतलब पहले ही देते हैं ब्लड, तो ऐसे में किसी की जान नहीं जाएगी ब्लड की वजह से। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल आज मैं आपको बता दें, बात कर रही थी हमारे साथ बिल्किस आरा, जिन्हें ब्लड वुमन ऑफ कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि आज तक इन्होंने 32 पॉइंट्स यानी कि 32 पॉइंट जो है आज तक इन्होंने डोनेट किए हैं। बहरहाल मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके न्यूज़ ट्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह आपका हामी और नासिर।